वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम ये जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डेबिट क्रेडिट के जो बेसिक रूल होते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट के बेसिक रूल क्या होते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने हमें ये मैसेज करके बताया है कि सर ये जो डेबिट और क्रेडिट का बेसिक रूल हैं ये हमें बहुत कन्फ्यूजिंग सा लगता है, तो आप इसको कवर कीजिएगा। तो इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में जो अकाउंट्स प्रिपेयर की जाती थी वो बहुत सिंपल तरीके से की जाती थी, यानी कि जो मुंशी जी पुराने आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, लोग जो लेकर बैठ जाते थे सिर्फ एक रजिस्टर या कॉपी लेकर बैठ जाते थे और वो सिर्फ बहुत इजी अकाउंटिंग करते थे। कैसे अकाउंटिंग करते थे? अगर पैसा आया तो वो जोड़ देते थे, पैसा गया तो वो लेस कर देते थे। सिर्फ यही बेस पे अकाउंटिंग चलती थी, या फिर ऐसे दो लाइन डाल लेते थे और जितना जितना पैसा आया एक साइड रिसिप्ट लिख लेते थे, एक साइड क्या लिख लेते थे वो जितनी पेमेंट करनी है। तो ये अकाउंटिंग फॉलो करते थे वो, जिससे कि उनको काफ़ी परेशानी आती थी और इसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग को एज अ टूल डेवलप किया गया जिससे कि इन चीज़ों को काफ़ी इजी किया जा सके और एक पर्टिकुलर वे में इन चीज़ों को समझा जा सके, एनालाइज किया जा सके। तो एनालाइज करने के लिए डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट को बनाया गया। देखिए दोस्तों डेबिट और क्रेडिट होते क्या है, जिस तरीके से आप प्लस माइनस सीखते हैं मैथ्स में उसी तरीके से डेबिट और क्रेडिट दो तरीके के पहलू हैं। कोई भी चीज़ होती है उसके आप डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि हर किसी भी चीज़ का डबल इफेक्ट होता है, टू इफेक्ट से हम अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। जब हम टू इफेक्ट से अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं तो टू इफेक्ट यानी कि एक तो चीज़ डेबिट होगी और दूसरी ऑब्वियसली बात है वो क्रेडिट होगी होगी। जब आप जनरल एंट्री कर रहे होते हैं तो उसमें भी ये इफेक्ट आपका देखने को पूरी तरीके से मिलता है कि एक चीज़ आपकी डेबिट होती है और दूसरी चीज़ आपकी क्रेडिट हो जाती है। तो यही जो बेस है, यही जो कॉन्सेप्ट है, यही बताता है आपको डेबिट और क्रेडिट के फंडे। आपको कोई भी ये बेसिकली क्या है, आपको इसको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको प्लस माइनस माइंड में लेकर चल सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है अकाउंटिंग में, कभी कभार ये प्लस का रोल फॉलो कर रहे होते हैं, कभी कभार ये प्लस प्ले कर रहे होते हैं, कभी कभार ये जो रोल प्ले कर रहे होते हैं वो माइनस का कर रहे होते हैं। लेट से मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा आपको। एक जो जनरल रूल है अकाउंटिंग का वो ये है कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपके पास आ रही है तो आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन। जो भी आपके पास आ रहा है आप उसको क्या कीजिए, डेबिट कीजिए। और क्रेडिट आप क्या करते हैं दोस्तों, व्हाट गोज आउट। तो आप इस फॉर्मूले को जनरली अप्लाई करते हैं, यानी कि लेट से फर्नीचर है, फर्नीचर अगर मेरे पास आया तो मैं उसको क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, और कैश मेरे पास से गया तो मैं उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। इसी तरीके से यहां पर चीजें रिवर्स हो जाती हैं थोड़ी। कैसे? कोई भी पैसा दे रहा है, कोई भी पैसा अगर दे रहा है तो देने वाले को क्या करते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना, क्रेडिट द गिवर। और जो पैसा ले रहा है उसको क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं, यानी कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि रिसीवर को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सा डेबिट हुआ, कौन सा क्रेडिट, दूसरे नंबर पे कौन डेबिट हुआ, कौन क्रेडिट हुआ। थर्ड हम देख लेते हैं, जितने भी आपके इनकम्स होती हैं, जितनी भी आपकी इनकम्स होती हैं तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जी नहीं, उसको हम क्रेडिट करते हैं, इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे डेबिट किसको करेंगे फिर, इसके अपोजिट बिल्कुल ठीक, लॉस को और एक्सपेंसेस को हम यहां पर डेबिट कर देते हैं। अच्छा, जो हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका कौन सा बैलेंस फॉलो करते हैं, हम डेबिट बैलेंस फॉलो करते हैं। जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम क्रेडिट बैलेंस से फॉलो करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये आपको थोड़ा माइंड में बैठा होगा कि डेबिट और क्रेडिट का क्या चक्कर होता है। है कुछ नहीं, बस सिंपल सा, आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का आपके पास एक तरीका आ चुका है, टूल आ चुका है, तो आप इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इजीली। क्लासिफाई करने के लिए आपको जो पहले प्लस या सिर्फ माइनस में हुआ करता था, जो पहले के लोग अकाउंटिंग किया करते थे तो उनके पास जो तरीका था उसको और बेहतर बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, और सबसे बड़ी बात एनालाइज करने के लिए, ताकि वो आगे जाके उस चीज़ का हम विश्लेषण कर सकें, उस चीज़ से कोई रिजल्ट निकाल सकें, तो डेबिट और क्रेडिट को इन्वेंट किया गया। तो ये आपके बेसिक फंडे थे डेबिट और क्रेडिट के। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है अकाउंटिंग में तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और कौन सा हम चैप्टर आपके लिए कवर करें वो भी आप हमें कमेंट कर बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या फिर कॉलेजेस नहीं है।
जिनके पेरेंट्स हैवी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कोचिंग सेंटर्स में नहीं भेज सकते। फ्रेंड्स, आप भी हमारी इस मुहिम में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को शेयर करके। फ्रेंड्स, याद रहे, आपका एक शेयर किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, तो इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी जरूरी वीडियोस आप तक ऐसे ही पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी खास तरीके की इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं, या अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं, प्रीवियस पेपर चाहते हैं, 10 ईयर चाहते हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सारे लिंक्स की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।